ऑल इंडिया रिटेलर मोबाइल एसोसिएशन की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर चेतना तिराहे पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदाताओं ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिसके संबंध में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार राय ने बताया कि रक्तदान महादान है तथा रक्तदान से किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 3 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा, रक्तदान करने से लीवर डायबिटीज की बीमारियों से बचा जा सकता है तथा रक्तदान से वजन नहीं घटता है, इसलिए सभी लोगों को हर 3 महीने पर रक्तदान करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार राय ने कहा, रक्तदान करते रहना चाहिए और रक्त का कोई विकल्प नहीं है, दूसरा ही मनुष्य काम आ सकता है। ठीक है, तो हम चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, और लोग भी यदि कोई है आपके जनसंपर्क में, आपके फ्रेंड सर्कल में, उनसे आप फोन करके स्पेशली बताइए कि आज रक्तदान से है, तो इससे एक अच्छा जो है लोगों का सहायता हो सकेगा। जैसे थैलेसीमिया, जैसे ग्रसित मरीज जो होते हैं, कैंसर पीड़ित जो होते हैं, एचआईवी पीड़ित जो होते हैं, डॉक्टर राजेश कुमार राय, प्रोफेसर पैथोलॉजी विभाग, SIC नेहरू अस्पताल एंड ब्लड बैंक इंचार्ज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। रक्तदान शिविर का ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के द्वारा आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन चेतना किराए पर लगाया गया है। इनको बहुत बहुत बधाई, और सबसे पहले तो इनको 7वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई। और रक्तदान महादान है। रक्तदान से एक्चुअली क्या है कि रक्तदान एक प्रकार का योगा है। योगा तो लोग रोज करते हैं, लेकिन रक्तदान जो योगा है वो हर 3rd महीने पे इन्हें करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम पेशेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए, अपने स्वास्थ्य के बारे में भी देखा जाए, तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो फ्री में सारे चेकअप हो जाते हैं, दूसरा है कि लीवर, हार्ट और पेंक्रियाज डायबिटीज की बीमारियों से बचा जाता है, तीसरा जाता है कि GI कैंसर से भी बचा जाता है, गैस्ट्रिक कैंसर से बचा जा सकता है अगर ब्लड डोनेट करें। दूसरी चीज़ है कि अगर एक ब्लड डोनेशन से 650 कैलोरी जो है वो खपत होती है, जिसे ओवरवेट जो है बचा जा सकता है। इसके अलावा जो होता है सिगरेट स्मोकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, कोलेस्ट्रॉल, इससे क्या होता है कि रक्त जो है हमारा काफ़ी मोटा हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये ठीक होने की वजह से क्या होता है कि कहीं भी वो जाके जमा हो जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए रक्तदान करना चाहिए, अपने सेहत के प्रति अगर आप सतर्क हैं तो रक्तदान अवश्य करें। हर 3 महीने पे रक्तदान करना आवश्यक है, करना चाहिए।